हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक है कि आर कार्बन टैक्सेस सॉल्यूशन टू क्लाइमेट चेंज। क्या ये जो कार्बन टैक्सेस है इससे जो जलवायु परिवर्तन है उसको रोका जा सकता है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। ये भी जानेंगे कि कार्बन टैक्स का क्या मतलब होता है। सो दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। इस लेक्चर का पीपीटी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं, माय आईडी सौरभ पांडे 009। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे एसएससी है या एसएससी जेई कोर्स है या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या डिफेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। आप studyiq.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और इन कोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्रश्न देख लेते हैं जो कि अगेन इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। और ये जो प्रश्न है आपका, ये जीएस पेपर 3 के लिए है। अगेन, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीएस पेपर 3 में ये प्रश्न बन सकता है। तो प्रश्न देख लेते हैं। ग्लोबल कार्बन टैक्स एज अ पार्ट ऑफ टैक्स पॉलिसी ऑफ द कंट्री विल हेल्प टू अरेस्ट एंड रिवर्स क्लाइमेट चेंज। इसको आपको डिस्कस करना है, तो वीडियो के एंड में हम इसको थोड़ा डिस्कस भी कर लेंगे कि आपको किस प्रकार से इसको अप्रोच करना है। लेकिन अभी ये प्रयास करिए आप कि इसको थोड़ा पॉज करके एक दो लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, जो भी मन में आए उसको लिखने का प्रयास जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि कार्बन टैक्स का सिंपल सा क्या मतलब हुआ। तो अगर हम कार्बन टैक्स की बात करते हैं तो ऐसा जो टैक्स जो किसी भी फॉसिल फ्यूल पे लगाया जाए, किसी भी ईंधन पे जो लगाया जाए, पेट्रोल डीजल, इनमें जो टैक्स लगता है उसे हम कार्बन टैक्स इन जनरल हम कहते हैं। अब क्या है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे कार्बन टैक्स लगाया भी जाता है। इंडिया में भी कई जगहों पर लगाया जाता है जो ये कार्बन टैक्स है, किसी न किसी फॉर्म में कार्बन टैक्स लग जाता है। लेकिन अब क्या देखने को मिलता है जो कि अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और जो कि इस रिसर्च में भी हाईलाइट किया गया है, जो कि अगेन नेचर जो है जर्नल है उसमें पब्लिश हुआ है, वो ये है कि देखिए, जब टैक्स बढ़ाया जाता है, अगर कार्बन टैक्स ही बढ़ाया गया तो इससे क्या होगा, जो ईंधन है पेट्रोल या डीजल के जो प्राइस है वो बढ़ेंगे। अगर पेट्रोल या डीजल के प्राइस बढ़ते हैं तो इससे जो कंट्री की इकोनॉमी है उसका उसमें काफ़ी इम्पैक्ट भी पड़ेगा। जैसे अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ेंगे तो जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ हैं अलग अलग, जैसे गेहूं, चावल या सब्जियां, इनके प्राइस भी बढ़ेंगे क्योंकि ट्रक्स का इस्तेमाल होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में इन सारी चीज़ों को, तो उसमें पेट्रोल का उपयोग होता है ट्रक्स के द्वारा। तो क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो अगेन वो जो प्राइस है वो कंज्यूमर से लिया जाएगा, तो अपने आप जो ये वेजिटेबल्स या दूसरी कमोडिटीज़ हैं उनका प्राइस बढ़ता है। इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है वो भी देखने को मिलता है। तो इस वजह से क्या है कि सरकारें डरती हैं कि कार्बन टैक्स अगर हम अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा कि इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई दर है, वो काफ़ी बढ़ जाएगी। और इस वजह से वो डरते भी हैं कि कार्बन टैक्स ना लगाया जाए, अगर लगाया जाए तो वो भी बहुत कम लगाया जाए। और ये ऐसा नहीं कि ये भारत में ही देखने को मिलता है, यह हर देश में देखने को मिलता है। आपने सुना होगा जिसे हम कहते हैं येलो वेस्ट मूवमेंट। येलो वेस्ट मूवमेंट के बारे में हमने सुना है और इसमें सेपरेट लेक्चर भी है स्टडी आईक्यू में, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो येलो वेस्ट मूवमेंट की बात करें जो कि अगेन फ्रांस में भी देखने को मिला और इसराइल में भी देखने को मिला। अब ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ऐसे देश हैं जहाँ पे ये हम मानते हैं कि जो लोग हैं वो काफ़ी रिच हैं, उनकी जो परचेजिंग पावर, जो कैपेसिटी है वो काफ़ी है, वो काफ़ी उनके पास पैसा है कि वो चीज़ों को बाय कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये देखने को मिल रहा है कि जो लोग हैं, जो नॉर्मल प्राइस इंक्रीज़ हुए हैं, जो पेट्रोल डीजल के जो प्राइजेज इंक्रीज़ हुए हैं, उसको कंटिन्यूसली अपोज कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया, फ्रांस में भी बन गया और इसराइल में भी सेम चीज़ देखने को मिला। इसराइल में ये आया कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी महंगी हो गई है, जो कि लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और इस वजह से क्या है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो पॉलिटिशियंस जो कि अगेन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ अपने आप को फोकस रखते हैं, वो ऐसा कार्य ही करेंगे जहाँ पे उन्हें कोई ना कोई पॉलिटिकल बेनिफिट मिले। तो वो ये सोचते हैं कि अगर कार्बन टैक्स लगा दिया गया तो उनको काफ़ी नुकसान होगा, इसीलिए इस प्रकार की पॉलिसी बनाते हैं जिसमें ये जो कार्बन टैक्स है या तो नहीं लगाया जाता, ये लगाया भी जाता है तो बहुत कम लगाया जाता है।
अब ये जो रिसर्च हुई है जो कि इसमें पब्लिश हुई है नेचर जर्नल में, वो ये कह रही है कि देखिए हमने सर्वे किया है अलग अलग जगहों पे, यूनाइटेड किंगडम में, यूएसए में, साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, और यहाँ पे हमने ये पाया कि जो कार्बन टैक्स है, कार्बन टैक्स का लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सपोर्ट तभी करेंगे जब टैक्स पॉलिसी इस प्रकार से बनाई जाए जो कि बहुत ज़्यादा लोगों पर बर्डन ना डाले, और जो लोग हैं लोग भी उसके बारे में अवेयर हों कि अगर ये जो कार्बन टैक्स लगाया जाता है इसका क्या बेनिफिट है, ये लोगों तक पहुंचाया जाए, तो जो लोग हैं लोग इस चीज को अगेन सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन देखिए दो चीजें यहां पे इस रिसर्च का जो ड्रॉबैक भी हम कह सकते हैं वो ये है कि देखिए जब आप किसी पब्लिक मतलब किसी पर्सन से बात करते हैं तो बहुत ही आइडियल बात करेंगे, आप कहेंगे कि क्या आप कास्ट के बेस पे वोट करते हैं, तो कहेंगे नहीं नहीं हमारे लिए कास्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा मेन एम ये रहता है कि हम ये देखते हैं कि जो भी पर्सन है एमएलए या एमपी वो किस प्रकार का है, जो उसके लिए खड़ा है वो किस प्रकार का है। लेकिन पब्लिकली ये बोला जाता है, लेकिन पर्सनली बेसिस जो वोटिंग का होता है वो अगेन कास्ट बेसिस, अगेन इंडिया में चीज़ फॉलो होती है। सिमिलरली क्या होता है कि अगर आपसे पूछा जाए आप कार्बन टैक्स सपोर्ट करते हैं, तो क्योंकि हम ये दर्शाना चाहेंगे कि एनवायरनमेंट के प्रति हम बहुत जागरूक हैं और एनवायरनमेंट के प्रति हमारा बहुत ज़्यादा कंसर्न है, इसलिए कह देंगे हाँ हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ेगा पेट्रोल या डीजल का, वही सारे लोग जो है रोड पर आ जाएंगे या फिर जो सरकार है सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, तो इस वजह से सरकार को भी काफ़ी डर रहता है। और ये ड्रॉबैक भी देखने को मिल सकता है, अगेन ये ड्रॉबैक भी है कि पब्लिकली लोग क्या बोलते हैं और पर्सनली लोगों का क्या ओपिनियन है, इन दोनों के बीच जो गैप है उस गैप को इस रिसर्च में शायद काउंट नहीं किया गया, लेकिन फिर भी जो रिसर्च कह रही है उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर बात की जाए तो जो मेजर ऑब्स्टिकल है वो अगेन पब्लिक सपोर्ट है, और ये रिसर्च कह रही है या स्टडी ये कह रही है कि पब्लिक तो सपोर्ट कर रही कार्बन टैक्स, तो इस वजह से जो पॉलिसी मेकर्स हैं पॉलिटिशियंस हैं उन्हें कार्बन टैक्स लागू करना चाहिए। अब ब्रिटिश कोलंबिया में जो कि कनाडा में, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था कार्बन टैक्स 2008 में, और जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था तो तब बहुत ज़्यादा लोगों ने अपोज किया था और बहुत बड़ा एक काइंड ऑफ मूवमेंट भी हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को बताया गया कि देखिए ये बेनिफिट है ऐसा है ये सारी चीज़ें, तो लोगों ने धीरे धीरे इसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उन्हें ये बताया गया कि देखिए जो ये पेट्रोल डीजल का उपयोग होता है या दूसरे फॉसिल फ्यूल का उपयोग होता है इससे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा और इस वजह से जलवायु परिवर्तन होगा, और अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो इनका देश भी बहुत सारी जो आपदा है वो फेस कर सकता है, तो लोग इस बात को समझे और फिर उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया इस गवर्नमेंट के स्टेप को। अब दूसरा जो पॉइंट रखा जाता है वो ये है कि अगर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा तो क्या जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, किसी कंट्री के इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ज़रूर पड़ सकता है, स्टार्टिंग फेज में ज़रूर पड़ सकता है या बाद में जो है वो जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाए, क्योंकि अगर हम कार्बन टैक्स लगाएंगे और जो प्राइस बढ़ेगा पेट्रोल डीजल का तो हो सकता है इनका जो उपयोग है वो कम हो और हम अल्टरनेटिव सोर्स की तरफ मूव करें, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ मूव करें, तो इनिशियली रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को डेवलप करने के लिए जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करने के लिए अगेन काफी पैसा लगेगा, काफी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक बार वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा फिर कंट्रीज के लिए काफी बेनिफिट देखने को मिल सकता है उनकी इकोनॉमी में। तो ये एक ओपिनियन रखा जाता है। तो यहां दो प्रकार की कंट्रीज हैं, एक ऐसी कंट्रीज जहाँ पे जो जो ये फॉसिल फ्यूल है उनका उपयोग बहुत कम होता है, और दूसरी जो कंट्रीज़ है जहाँ पे फॉसिल फ्यूल का जो उपयोग है वो बहुत अधिक होता है, तो इनिशियली जहाँ पे बहुत अधिक होता है तो यहाँ पे काफ़ी इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसी कंट्रीज जहाँ पे बहुत कम होता है वहाँ पे इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, तो ये दो पॉइंट्स भी ध्यान रखने हैं। अब जो एक और पॉइंट है जो हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है वो ये है कि देखिए जो कार्बन टैक्सेस हैं इनको आपको हार्मोनाइज करना पड़ेगा, जो इसके सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं अब वो जो है लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा कि देखिए इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसका क्या है, सोशल या सामाजिक इम्पैक्ट क्या है, पर्यावरण पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर लोगों तक ये बात पहुंचेगी अपने आप लोग इसका सपोर्ट करेंगे, ऐसा कहना है इस स्टडी का। तो अगेन ये स्टडी ये जरूर कह रही है कि जो अक्रॉस द वर्ल्ड है डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें ये प्रयास करना चाहिए कि वो मूव करें ऐसी पॉलिसी की तरफ जहाँ पे
कार्बन टैक्स लगाया जाए जो भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उन पर, अगर फॉसिल फ्यूल्स पर कार्बन टैक्स लगेगा तो उनका उपयोग कम होगा। अब इसका फ्यूचर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो जरूर देखने की बात है। अब प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि ग्लोबल कार्बन टैक्स एज अ पार्ट ऑफ टैक्स पॉलिसी ऑफ द कंट्री विल हेल्प टू अरेस्ट एंड रिवर्स क्लाइमेट चेंज। ये बहुत ही सिंपल लॉजिक है जो हमने डिस्कस भी किया है कि अगर आपने कार्बन टैक्स लगा दिया और कार्बन टैक्स लगाने के बाद अगेन जो भी पेट्रोल डीजल पे लगता है उसका प्राइस बढ़ेगा, कंजम्पशन कम होगा, ग्रीन हाउस का जो एमिशन है वो कम होगा, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज में तो थोड़ा अफेक्ट पड़ेगा ही। लेकिन सिर्फ कार्बन टैक्स लगाने से कुछ नहीं होगा, ये भी आपको कहना है। एक पार्ट तो ये बताना है कि ठीक है कार्बन टैक्स जो है ये थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि एमिशन को ये रोक सकता है, ये सारी बातें आप कह सकते हैं। दूसरा, क्योंकि यहाँ डिस्कस बोला है तो दूसरा पार्ट भी आप लिख सकते हैं कि देखिए कार्बन टैक्स सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होने वाला, आपको दूसरे ये प्रयास भी करने की ज़रूरत है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करें, एफॉरेस्टेशन करें, जो इकोसिस्टम है उसको बचाएं, पर्यावरण को बचाएं, पेड़ लगाएं, सारी चीज़ें जो है वो करने की ज़रूरत है। और सामाजिक लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे और लोकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, हर जगह पे किसी न किसी तरीके का प्रयास होना चाहिए। अगर हर लेवल पे प्रयास किया जाएगा तभी जलवायु परिवर्तन अरेस्ट और रिवर्स होगा, अदरवाइज तो कुछ नहीं होगा। बातें होंगी और हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।